प्लांटर की योजना क्या है, बिहार सरकार कृषि विभाग किस योजना के तहत और क्या क्या फायदा पहुंचा रही है? बिहार सरकार कृषि विभाग BGRI के तहत किसानों के खेत में पेरी ट्रांसप्लांटर का प्रत्यक्षण कर रहा है। इसमें किसानों को किट दिया जाता है जिसका कीमत 2280 है, और इनके प्लास्टिक के सीट पे इनका बिचड़ा गिरवाया जाता है किसान सलाहकार और कृषि समन्वय के द्वारा, और उनके खेतों में रुपाई की जाती है। देख ही रहे होंगे कि मशीन के द्वारा खेत में रुपाई की जा रही है। इसमें सबसे जो खासियत हो सकता है कि आज के दिन में लेबर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, रुपाई करने में लेबर नहीं मिल पाता है, लेबर में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इसके चलते पेडी ट्रांसप्लांटर ही एक सहारा है जिससे खेती, धान की खेती किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उपज में ज़्यादा वृद्धि होता है, इसमें अभी तो एक एक धान की रुपाई होती है, देखा जाता तो इसमें 30, 40, 45, 50 टीलर होते हैं। और सबसे और जो खासियत है, इसमें सिंचाई कम लगता है, इसमें एक मेरनुमा पैड बन जाता है जिसपे रुपाई होती है, जिसमें पानी का अब्जॉर्बेशन ज़्यादा करता है जिससे इसमें पानी भी कम लगता है। पौधे से पौधे और कतार की कतार से दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 6 से 7 इंची आता है। और को इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम हो जा रहा है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे 60% तक कम हो रहा है। और ये अभी जो लगाया जा रहा है ये सरकार की तरफ से अनुदान, सरकार के द्वारा पूरा का पूरा अनुदान है। नहीं, वो सारा चीज़ अभी पूरे क्षेत्र में अभी धान लगा भी नहीं है, कहीं बारिश हुई है, कभी पछेती भी है, तो आप ऐसे में क्या किसान से आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार का ये फायदा? मैं इस किसान से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग नई तकनीकी से जब तक खेती नहीं कर पाएंगे तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप किसानों से, हम लोग भी, कृषि विभाग को भी परेशानियाँ होती है, किसान सहयोग नहीं देते हैं। हमारे कुछ ही गिने चुने किसान हैं जो नए चीज़ों को एडोप्ट कर पाते हैं, जो हमारे विभाग के लिए भी एक परेशानी का सबब है। सलाहकार भी हैं, और किसान सलाहकार वही होता है जो एक प्रगतिशील किसान होता है। तो आप ये बताइए कि ये मशीन के द्वारा जो ट्रांसप्लांटिंग किया जा रहा है, किसानों में क्या रुझान है, इसको देख के लोग क्या बोलते हैं कि होगा नहीं होगा, क्या कहते हैं? किसान तो अभी असमंजस में है, लेकिन देख के उत्साहित भी हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, इससे लेबर कॉस्ट कम लगेगा तो इसको लगाया जा सकता है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगाएंगे, इच्छुक हैं। बस किसान को ये लगता है कि जब वो देख लेगा तब करेगा, यही? हाँ, उन लोगों को यही लगता है कि पहले देख लें कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। क्योंकि किसान का ये खेती धान का जो है वो साल में एक ही बार होता है, और वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं जल्दी से। तो किसान अभी इस बार पहली बार इस क्षेत्र में आया है, तो किसानों को समझा पाए हैं या कुछ ऐसे किसान सामने आए हैं? कुछ किसान ही तैयार हुए हैं, बहुत सारे तो नेगेटिव में भी गए हैं, नहीं वो तैयार हुए हैं, लेकिन कुछ हैं जो तैयार हुए हैं, वो कर रहे हैं। उनको देख के दूसरे भी अब उत्साहित हो रहे हैं, अब उनको लगता है कि नहीं, हम बेकार में ही अपना बिचड़ा गिरा दिए, पहले अब गिराते तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता। दिवाकर चौधरी जी, आप बताइए, एक किसान हैं आप, और आपके किसान आपके खेत में अभी ट्रांसप्लांटिंग मशीन के द्वारा धान की रोपाई हो रही है? जी हाँ। इससे पहले आपको ऐसा लगा था या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कभी लगा? नहीं, अगले साल प्रयास किया था, लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। इस बार कृषि विभाग ने सहयोग किया और बहुत अच्छे ढंग से हम इसको कर रहे हैं और लग रहा है। तो कृषि विभाग के अधिकारी जो है आपको अप्रोच किए? हाँ। और आप ये इस काम में तत्पर हो गए? जी हाँ, हाँ लग गए। तो आपको ऐसा फीलिंग होता है कि कृषि विभाग करना चाहती है? हाँ, कृषि तरफ से, हाँ, किसानों के तरफ से निगेटिव होने का कारण है, किसान जब तक देख नहीं लेगा तब तक वो विश्वास नहीं करता है, उसको भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, उसका भोजन यही है, वो देख लेगी विश्वास हो जाएगा, फिर बृहद पैमाने पर करेगी सरकार। किसान को दिखाने के लिए किसी किसान को तो आगे आना ही होगा निश्चित, उसके लिए हम लोग जैसे 2-4-10 किसान हैं वो हम लोग आगे आ रहे हैं। अभी इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा तो फिर और किसानों को आप निश्चित रूप से? हाँ, अभी तो 20-25 आदमी आपके सामने था, सबको देखते गया, सबको यह भी बोल रहा था कि हम लोग बेकार हो गए,
बेकार हो गए। पहले समझाया था लेकिन नहीं माना उन लोगों ने, तो अगले साल से होगा। फिर आपको ये पता है कि इम्प्लीमेंट मशीन जितना भी है जी, किसानों के लिए सरकार की योजनाएं भी है कि बैंक मशीन का बैंक आप बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। किसान मिलकर के सब मशीन आप जी हाँ खरीद सकते हैं। सरकार आपको अनुदान जी हाँ देती है, तो इस तरह का प्रयास करेंगे? हाँ प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आप एक ऐसा किसानों का समूह बनाएंगे?